कोरोना से देश ही नहीं दुनिया बेहाल है। पूरे भारत में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बंद हैं। लॉकडाउन के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो दर्शाती हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। विनय चौहान क्षेत्र में सेवा का दूसरा नाम बन चुके हैं। कोई भी मौका हो, विनय चौहान हमेशा ही जनता के बीच उनका सुख दुख बांटने के लिए मौजूद रहते हैं। विनय कुमार चौहान संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला नजफगढ़ भाजपा द्वारका विधानसभा। कोरोना वायरस के विपदा भरे समय में पीएम मोदी की अपील पर लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं रहे, इसके लिए राशन और भोजन दोनों ही वितरण कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर अगर क्षेत्र में सेवा की बात की जाए तो आज विनय कुमार चौहान अपने आप में एक मिसाल हैं। टीम न्यूज फोल्डर ने विनय चौहान से बात की। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सभी ये चिंता करें कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उस तक व्यवस्था पहुँचनी चाहिए, तो उसी आदेशों को हम अपने सांसद जी के माध्यम से, प्रवेश वर्मा जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से, और अपने क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं जो अपना योगदान इसमें देते हैं उनके माध्यम से, और जो हमसे सहयोग होता है मैं अपने माध्यम से। ये लगातार जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है इसी तरह से हम भोजन का वितरित, कभी कभी हम पका हुआ एक हमारा रामलीला में नवयुग रामलीला कमेटी भी चल, जिसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ, उसके माध्यम से डेली सुबह कम से कम 200 लोगों को हम भोजन की, पके हुए भोजन की व्यवस्था करते हैं, बीच बीच में कभी और भोजन की पके हुए। और ये जो सूखा राशन आप देख रहे हैं ऐसा लगभग मैं 400-500 परिवारों में ये राशन कम से कम एक एक हफ्ते का एक परिवार को देते हैं। फोटोबाजी मैं करता नहीं हूँ, जो क्षेत्र में, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि इस जिसको आवश्यकता है वो भी है, जिसको नहीं है वो ज़्यादा ले रहा है, उसको रोकने के लिए अब हमने क्या किया है कि अपने क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे पता करता हूँ कि एरिए में कहाँ पर किस व्यक्ति को, नीडी व्यक्ति है, उस तक हम ये व्यवस्था पहुँचाते हैं। सर, जैसे संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, तो ऐसे में क्या संभावना है कि इसे आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक हम सबसे, मैं सबसे अपने जो सक्षम यार दोस्त हैं, मेरा सर्कल है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ और सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये मानवता की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, और हम सब मिलके मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक लॉकडाउन रहेगा जरूरतमंद तक हम जरूर भोजन। मीडिया से बातचीत में विनय चौहान ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का खाना वितरण व्यवस्थाओं से परे है और इसमें समस्याएं अनेक हैं। दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तक हम जरूर भोजन पहुंचाएंगे, लेकिन एक बड़ा दुख और तकलीफ हो रही है, राजनीति की विषय नहीं है, गरीब लोगों को जो केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि आधार कार्ड के माध्यम से जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको राशन देंगे, वो राशन नहीं मिल पा रहा। गरीब आदमी आज भी उनका लिंक नहीं हो रहा है, उनका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके साथ बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये जो तरीका अपनाएगा ये भी कहीं बंदर बांट है और इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं। ये मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने आपके माध्यम से भी और अपने, कि वो जिस तरह से और चीज़ों की डिलीवरी करने की व्यवस्था करते हैं इसी तरह से क्यों नहीं एक गली में परिवारों को आप जानकारी केंद्र करते हो, जिसको आवश्यक है वहाँ तक राशन भिजवाना चाहिए, और गेहूँ नहीं देना चाहिए, आटा देना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा इस टाइम बुरा हाल है। जहाँ भी आप चले जाइए, जहाँ पे खाना बंटता है वहाँ आप देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये विषय कहीं न कहीं हमारी जान के, हमारे लोगों के जान को खतरा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, केजरीवाल जी ये भोजन की व्यवस्था जो है उसको ठीक करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए, और जिन गरीबों को आप बार बार बात करते हो कि आधार कार्ड के माध्यम से हम
राशन देंगे, उन गरीबों को नहीं जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी आ चुका है, वो लोग मैंने देखा कि वो राशन ले रहे हैं लेकिन गरीब तक अभी भी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं कि ये जरूर इस पे ध्यान दिया जाए। विनय कुमार चौहान की पत्नी रेखा चौहान स्थानीय निगम पार्षद है और दोनों ही अपनी जनसेवा के चलते क्षेत्र में लोकप्रियता के शिखर पर हैं। जहां एक ओर ये दंपत्ति सेवा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता भी इन्हें दिलो जान से चाहती है। आज हर कोई इनके काम का कायल है। नई दिल्ली द्वारका विधानसभा से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।